तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में, जिसमें हम आज आपके लिए 3 BHK बना हुआ 111 गज में बना हुआ शानदार विला लेके आए, जो कि आपको अजमेर रोड के काफी नजदीक में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिटेल्स की, तो डिटेल्स में मैं आपको सबसे पहले लोकेशन बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताई दिया श्रीनाथ एनक्लेव नाम से हमारी जो कॉलोनी का नाम है अजमेर रोड के बस एकदम मेरे हिसाब से 1.5 से 2 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम एरिया की बात करें तो 111 गज में हमारा बनाया गया है। डायमेंशन की बात करें तो 20x50 में यहाँ पर आपको ये विला मिल जाएगा। 20 का काफी अच्छा खासा फ्रंट है जिससे आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपको 3 BHK में मिल जाएगा सेमी ड्यूप्लेक्स कंडीशन में, नीचे 2 बेडरूम ऊपर 1 बेडरूम, साथ में हमारी 1 छत, ठीक है। उसके प्राइस की मैं बात करूँ तो 58 लाख रुपये, मात्र 58 लाख रुपये में यहाँ पर आपको ये विला मिल जाएगा। सेमी फर्निश्ड कंडीशन में JD अप्रूव्ड है, 80-90% तक यहाँ पर इजीली लोन हो जाएगा आपको, और ईस्ट वेस्ट फेसिंग में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमारी जो है 4 यूनिट्स है, 2 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम कंडीशन में, 1 पीछे की साइड भी हमारी जो कि पूरा सेम है। मान लो फ्रंट एलिवेशन आप देख लीजिए, कुछ ऐसे होने वाली है हमारी विला की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना हमारे विला को। तो देखो सबसे पहले हम जैसे आगे आएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको जो छोटा सा गार्डन का एरिया मिल जाएगा, जहाँ पर आप चाहें तो अपना कुछ भी गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई भी जो छोटे छोटे पौधे यहाँ पर जो इजीली आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा सारा 20 का फ्रंट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि जो काफ़ी अच्छा खासा फ्रंट माना जाता है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो आयरन का बहुत ही मोटा सारा यहाँ पर गेट मिलता है, जो कि जो काफ़ी हैवी है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारा पार्किंग स्पेस, देख सकते हैं कुछ ऐसा हमारा पार्किंग स्पेस है। छोटी गाड़ी इजीली यहाँ पर आ जाएगी, अल्टो बलेनो जो भी जो है छोटी गाड़ी होती है वो इजीली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो कुछ ऐसे जो है हमारा वॉल का काम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक जो है छोटा सा स्पेस जगह, एक तरह से बालकनी मान लो कुछ ऐसा, मतलब जो छोटी सी बालकनी टाइप यहाँ पर जो दी गई है, जरा आप अपनी जो कुर्सी वर्सी लगा सकते हैं, गेस्ट आए तो उनके साथ बातें कर सकते हैं। और ये हमारा जो पहला बेडरूम से कनेक्ट है तो वो हम देखेंगे अंदर से, तो चलिए चलते हैं अंदर। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो है डिमांड रहती है भाई हमको बाहर से सीढ़ी चाहिए, बाहर से सीढ़ी चाहिए, तो इस विला में आपको जो बाहर से सीढ़ियाँ मिलती है देख लीजिए, ये है हमारी सीढ़ियाँ। तो अभी ऊपर चलेंगे हम बाद में, पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। तो आइए, तो जैसे आप अंदर आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा लिविंग एरिया, और देख लीजिए काफ़ी अच्छी खासी स्पेस में यहाँ पर आपको जो लिविंग एरिया मिल जाता है, देख सकते हो काफ़ी चौड़ा सारा लिविंग एरिया। आप इधर चाहे तो अपने जो है सोफा लगा सकते हैं, कोई भी गेस्ट है तो इधर आराम से बैठ सकते हैं, इधर सामने टीवी लगा सकते हैं, ये देख लीजिए वॉलपेपर का अपने जो काफ़ी सुंदर सा काम हुआ है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो देख लीजिए कुछ ऐसा हमारा फॉल सीलिंग काम है, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे LED पैनल, देख लीजिए कितना चौड़ा सारा हमारा LED पैनल है, आप इधर जो है बड़ी से बड़ी LED यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आप चलते हैं हम हमारी कॉमन वॉशरूम में, मैं आपको दिखाता हूँ आइए। तो देखिए कुछ ऐसा हमारा जो कॉमन वॉशरूम मिलेगा, इधर अभी जो है लाइट नहीं चली तो आप देख लीजिए जो भी आपको दिख रहा है, देसी स्टाइल में हमारा जो कॉमन वॉशरूम होने वाला दिख सकते हैं। और स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है, टाइल्स को पूरा बन गया है, और वेंटिलेशन का यहाँ पर जो पूरा काम कर दिया गया है, शावर और सब कुछ यहाँ पर आपको लगा दिया गया है। उसके बाद लाइटिंग साइड में हम बात करते हैं, यहाँ आ जाते हैं हमारी किचन, जो हमें फुल्ली मॉडुलर किचन है। आइए देखिए यार, कुछ ऐसी हमारी किचन है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर किचन का मिल जाता है। एल शेप में यहाँ पर हमारी किचन आ जाती है, देख सकते हैं आप एल शेप में हमारी किचन है पूरी, और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है। उसके बाद फुल्ली मॉडुलर किचन है, देख सकते हैं आप, नीचे आपको रेक्स मिल जाएगी, ऊपर आपको नहीं मिलेगी, तो नीचे यहाँ पर आपको जो रेक्स वार्डरोब सब मिल जाएगी। स्पेस में आपको दिखा देता हूँ, मतलब आप जो बजट रेंज में अगर 100 गज से ऊपर विला चाहते ना भाई, सब ये विला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मतलब इतने बजट में 50 से 60 के बीच में आपको जो 111 गज का मिलेगा, वो भी मेन रोड के इतना नज़दीक कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही मतलब बढ़िया प्राइस यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद हम पीछे देखें तो यहाँ पर आपको एक बैक स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो देखिए कुछ ऐसा हमारा बैक स्पेस है, काफ़ी अच्छा है। इसमें यहाँ पर आपको बैक स्पेस के लिए वॉशिंग एरिया के लो, यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा पीछे चलें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा एक पहला बेडरूम, तो देखिए हमारे LED पैनल के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है हमारा पहला बेडरूम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हमारा जो पहला बेडरूम दिखाया जाता है, देखिए सेमी फर्निश कंडीशन में यहाँ पर आपको मिलने वाला है, देखिए काफ़ी अच्छा इस साइज में यहाँ पर आपको जो बेडरूम मिलेगा, टाइल्स ऊपर वर्ग है वाइट टाइल्स का, ऊपर आप देखेंगे तो POP की यहाँ पर आपको जो सीलिंग कर दी गई है, ऑल सीलिंग नहीं है पर POP की यहाँ पर आपको सीलिंग कर दी गई है। साथ ही इस बेडरूम के साथ यहाँ पर आपको वुडन अलमीरा कह लो, वुडन वॉर्डरोब कह लो, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साइज आप देख लीजिए, अभी तो कुछ सामान रखा गया है, साइज कुछ ऐसी रहने वाली है वुडन वॉर्डरोब की। अब लेके चलता हूँ आपको हमारे सेकेंड बेडरूम में, तो आइए।
तो देखिए ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम पर, उसके मुकाबले थोड़ा छोटा ये बेडरूम हम कह सकते हैं, पर इतना भी छोटा नहीं है, हाँ उससे थोड़ा छोटा है ठीक है, पर काफ़ी अच्छा स्पेस में यहाँ पर आप अपना जो बेड लगा देंगे तो भी काफ़ी अच्छी खासी जगह बन जाएगी। आप देख सकते हैं वॉलपेपर काम देखेंगे कितना सुंदर, यहाँ पर वॉलपेपर काम मिल जाता है। ऊपर आप देखेंगे तो पीओपी के यहाँ पर आपको जो वॉल सीलिंग मिल जाती है ठीक है। साथ में हमारी बाहर का रास्ता इस गेट से, साथ में अटैच वॉशरूम, देखिए यहाँ आता हमारा अटैच वॉशरूम, देखिए कुछ ऐसा हमारा अटैच वॉशरूम होने वाला है जहाँ पर आपको जो ब्लैक और वाइट कलर में कलर टाइल्स मिल जाती है, टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, वेस्टर्न सीट मिलती है, वेंटिलेशन का पूरा काम है देखिए आप देख लीजिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको वार्डरोब दिखाऊंगा, यहाँ पर भी आ जाते हैं हमारी वार्डरोब स्पेस आप देख लीजिए, कुछ ऐसा हमारा जो है वार्डरोब का स्पेस है। और ये गेट भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, देखिए यहाँ से सीधे बाहर निकल जाए जो मैंने आपको बताया ना पहले, तो देखिए ये आ जाता है हमारा बाहर का रास्ता, तो ये हमारा जो सीधे बाहर से कनेक्टेड है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर, अब दिखाता हूँ मैं आपको हमारा फर्स्ट फ्लोर, चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। तो आइए, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई बाहर से सीटें, तो देख लीजिए यहाँ से बाहर से सीटें हमारी आ जाती है और ऊपर जाके कनेक्ट करती है हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर हमारे क्या है, एक आपको छत मिलेगी और एक बेडरूम मिलेगा, मतलब सेमी डुप्लेक्स कंडीशन में आपको मिलेगा, पूरा फुल डुप्लेक्स यहाँ पर नहीं है ठीक है। तो आइए ऊपर चल के आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए अब हम आ गए हमारे फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर आपको सामने की तरफ हमारी छत मिल जाती है, उधर चलेंगे बाद में, पहले दिखाते हैं आपको हमारा थर्ड बेडरूम जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो आइए, तो देखिए ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम, तो देख सकते हैं इसकी भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, जैसा नीचे स्पेस था वही सेम टू सेम स्पेस में ये जो है हमारा बेडरूम डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद वही हमारा जो है पीछे आप देख सकते हैं वॉलपेपर का डिज़ाइन, वही हमारे ऊपर देख लीजिए पीओपी सीलिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाती है हमारी वार्डरोब, वुडन वार्डरोब, तो उसका वही सेम स्पेस है यार कह दिखाऊँ ठीक है। साथ में आपको मुझे बालकनी, बालकनी चलेंगे बाद में, इधर आता है हमारा अटैच वॉशरूम, आइए वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ ऐसा हमारा अटैच वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा स्पेस साइज में मिल जाता है आपको, यहाँ पर अपने जो टाइल्स का पूरा कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं वाइट कलर की टाइल्स है, और साथ में पूरा अपना वेंटिलेशन का पूरा काम कर दिया गया है, वेस्टर्न सीट है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी अटैच बालकनी, देख लीजिए यहाँ पर आती है हमारी अटैच बालकनी, तो देखिए ये आ जाती है हमारी बालकनी में, बालकनी का स्पेस आप देख सकते हो कितना बड़ा खासा अच्छा खासा जो यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। टफन ग्लास यहाँ पर आपको रेलिंग मिल जाती है जो कि जो है देखने को काफ़ी प्रीमियम बनाती है बाहर से हमारे विला को, और देख ही सकते हैं आप यहाँ पर आपको नल लगा के जगह है, तो इधर भी आप अपने जगह कुछ भी धोना होना चाहे वो जो इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे आप टाइल्स का काम देख सकते हैं, ब्राउन कलर की शेड्स में यहाँ पर आपको जो टाइल्स दी गई है ठीक है। तो ये हो गया हमारा विला, पर अभी मैं आपको छत बची है तो अभी छत भी दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए यहाँ जाती है हमारी छत, तो देखिए छत भी वैसे काफ़ी बड़ी सारी है, तो देखिए ये आ जाती है हमारी छत, देखिए यार बस क्या अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर जो हमारा छत पर दिया गया है, इधर छत पे भी आपको जो टाइल्स का पूरा वर्क करके दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी खासी साइज में यहाँ पर आपको जो छत मिल जाती है। चार विला टोटल हमारे अवेलेबल है ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के दोनों ठीक है, तो वास्तु फ्रेंडली तो हो ही गए। इससे ऊपर एक और छत है, या इससे ऊपर क्या दिखाऊँ, देखो ये सीढ़ियाँ दी गई है, इससे आप जो ऊपर जा सकते हैं, एक और छत यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पूरा विला दिखा दिया, तो कैसे लगा आपको विला और कैसे लगे आपको प्राइस, अगर प्राइस सही लगी हो तो नीचे दिए नंबर पर आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप जो साइड विजिट करें तो साइड विजिट कर सकते हैं, विला बुक करें तो विला भी बुक कर सकते हैं ठीक है। और कैसे कैसे विलाज की वीडियो चाहिए, आप कैसे कैसे वीडियो चाहिए वो सब आप मेरे को यार कमेंट बॉक्स में बताया करो, ताकि मेरे को पता चले उस हिसाब से मैं आपके लिए जो वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।